हेलो चिल्ड्रन, इन दिस वीडियो यू विल गेट टू नो व्हाट इज डिजिटल फुटप्रिंट। डिजिटल फुटप्रिंट क्या होता है, टाइप्स ऑफ डिजिटल फुटप्रिंट्स, डिजिटल फुटप्रिंट्स के कितने टाइप्स हैं, व्हाट आर द टिप्स टू मैनेज डिजिटल फुटप्रिंट्स, और आप डिजिटल फुटप्रिंट्स को कैसे मैनेज कर सकते हो। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद व्हाट इज डिजिटल फुटप्रिंट। डिजिटल फुटप्रिंट क्या होता है, डिजिटल फुटप्रिंट इज द इम्प्रेशन यू क्रिएट ऑन द इंटरनेट थ्रू योर ऑनलाइन एक्टिविटी। डिजिटल फुटप्रिंट क्या है, इम्प्रेशन है जो इंटरनेट पे आप बनाते हो किसके थ्रू, अपनी ऑनलाइन एक्टिविटीज के थ्रू, वो एक्टिविटीज जो आप इंटरनेट पर परफॉर्म करते हो, राइट, विच इंक्लूड्स ब्राउजिंग, जो क्या इंक्लूड करती है कि आप कैसा डेटा ब्राउज करते हो, कौन सी इंफॉर्मेशन सर्च करते हो, इंटरेक्शन विद द पीपल, आप कैसे लोगों से इंटरेक्ट करते हो। ओके, एंड द पब्लिकेशन ऑफ कंटेंट, आप किस टाइप का कंटेंट पब्लिश करते हो, किस टाइप का डेटा अपलोड करते हो इंटरनेट पर। ओके, इन अदर वर्ड्स इट इज द ट्रेल ऑफ डेटा। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो ये क्या है, डेटा का ट्रेल है। ट्रेल मींस ये डेटा के ट्रेसेस है, एक डेटा का निशान है, एक रिकॉर्ड है जो आप इंटरनेट पे छोड़ रहे हो कि आप किस टाइप का डेटा सर्च करते हो, कैसे आप लोगों से इंटरेक्ट करते हो, आप किस टाइप का डेटा पब्लिश करते हो, आप कैसे कमेंट करते हो, राइट। सो दिस इज द रिकॉर्ड ऑफ योर एक्टिविटीज, राइट, जो आप इंटरनेट पर क्या कर रहे हो, छोड़ रहे हो, मतलब इंटरनेट को प्रोवाइड कर रहे हो, कैसे, इंटेंशनली, आप खुद आप जानते हो कि आप क्या इंटरनेट पे अपलोड कर रहे हो, एंड अनइंटेंशनली मींस जहां पे आपको नहीं पता बट आपकी इंफॉर्मेशन क्या हो रही है, वो लीक हो रही है पर्टिकुलर वेबसाइट्स पे, आप डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स पे आपका डेटा, आपका आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री क्या हो रही है पर्टिकुलर डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाके रिकॉर्ड हो रही है। फाइन, यू लीव बिहाइंड बाई सर्फिंग द इंटरनेट, और ये सारा का सारा इम्प्रेशन डेटा कब आप इंटरनेट को प्रोवाइड करते हो, जब आप इंटरनेट पे सर्फिंग करते हो, डेटा इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन सर्च करते हो या कोई भी एक्टिविटी करते हो। फाइन, नाउ वी हैव टाइप ऑफ डिजिटल फुटप्रिंट। ओके, सो देयर आर टू मेन क्लासिफिकेशन ऑफ डिजिटल फुटप्रिंट्स। डिजिटल फुटप्रिंट दो टाइप्स के होते हैं, एक्टिव एंड पैसिव। फर्स्ट वी हैव एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट। एन एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट कैन बी डिफाइंड एज द इंटेंशनल डेटा ट्रेल दैट एन इंडिविजुअल लीव्स बिहाइंड इंटेंशनली। एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट क्या होता है, वो डेटा जो एक इंडिविजुअल, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल इंटेंशनली इंटरनेट पर प्रोवाइड करता है। ओके, लाइक फेसबुक, ट्विटर एंड ब्लॉग पोस्ट, जो आप क्या करते हो फेसबुक पे, ट्विटर पे, या ब्लॉग, जो जो भी आपके ब्लॉग्स होते हैं वहां पे पोस्ट करते हो, राइट, तो ये डेटा क्या है, आप इंटेंशनली प्रोवाइड कर रहे हो। फाइन, सोशल नेटवर्क कनेक्शंस, आप अपने सोशल जो आपकी साइट्स होती है उन पे जो भी कंटेंट अपलोड करते हो, राइट, इमेज एंड वीडियोस अपलोड, जो आप इमेज एंड वीडियोस जो अपलोड करते हो, ईमेल्स, आप जो ईमेल सेंड करते हो, फोन कॉल्स करते हो, चैट्स करते हो, तो ये सारा क्या है, ये डेटा आप खुद प्रोवाइड कर रहे हो। ओके, राइट, तो ये सच टाइप ऑफ डेटा इज कॉल्ड एज एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट, द डेटा जिसके बारे में आप अवेयर हो कि यस आई एम डूइंग दिस, ओके, आई एम प्रोवाइडिंग दिस पर्टिकुलर डेटा टू द इंटरनेट। मैं अपने, जैसे आप फेसबुक अकाउंट होता है आपका, तो आप क्या करते हो, आप सोच समझ के उस पे वीडियोस अपलोड करते हो, इमेजेस अपलोड करते हो, तो यहाँ पे ये क्या है, ये आप अपना डेटा खुद प्रोवाइड कर रहे हो। ओके, आप अपना डिजिटल फुटप्रिंट खुद क्रिएट कर रहे हो, तो दिस सच टाइप ऑफ डिजिटल फुटप्रिंट इज कॉल्ड एज एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट। फाइन, ओके, सेकेंड इज पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट। पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट क्या होता है, अ पैसिव फुटप्रिंट इज डिफाइंड एज द अनइंटेंशनल ट्रेसेस दैट एन इंडिविजुअल क्रिएट्स ऑन द इंटरनेट अननोइंगली। वो डेटा जो क्या होता है, जब कोई भी पर्सन इंटरनेट पे कोई भी एक्टिविटी करता है, तो उसके नॉलेज के बिना वो डेटा क्या होता है, डिफरेंट वेबसाइट्स क्या करती हैं, स्टील कर लेती हैं। स्टील मींस, व्हाई आई एम यूजिंग द वर्ड स्टील, बिकॉज क्या होता है, जब आप कोई भी वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन सर्च करते हो, तो आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री क्या होती है, समटाइम्स आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री वो पर्टिकुलर वेबसाइट कुकीज की हेल्प से रिकॉर्ड कर लेती है कि आप किस टाइप की एक्टिविटीज कर रहे हो। यहाँ पे आपको पता नहीं है कि आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री को क्या किया जा रहा है, रिकॉर्ड किया जा रहा है। ओके, यू आर नॉट अवेयर ऑफ दिस, तो यहाँ पे क्या है, अनइंटेंशनली आप डेटा प्रोवाइड कर रहे हो। फाइन, आप यू आर अनअवेयर ऑफ दैट, आपको नहीं पता है कि जो भी आप ब्राउज कर रहे हो उसका एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड कहीं पे जाके स्टोर हो रहा है, तो इन इन दैट केस इट बिकम्स
पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट मींस आपका डेटा रिकॉर्ड तो हो रहा है बट यू डोंट नो अबाउट इट, आपको नहीं पता है कि आपका ब्राउजिंग हिस्ट्री या जो भी एक्टिविटी आप कर रहे हो वो कहीं पर जाके रिकॉर्ड हो रही है. फाइन, तो इसके एग्जांपल क्या है, यूजिंग एप्स एंड वेबसाइट दैट यूज जियो लोकेशन टू पिन पॉइंट अ यूजर्स वेयर अबाउट. आप समटाइम्स आप क्या यूज करते हो, ऐसी एप्स या ऐसे वेबसाइट्स यूज करते हो जो जियो लोकेशन की हेल्प से पता कर लेते हैं कि जो यूजर है वो कहाँ पर है, उसका रीजन क्या है, मतलब उस किस पर्टिकुलर स्टेट में है, किस पर्टिकुलर प्लेस पर है वो. फाइन, आपने इन्फॉर्मेशन नहीं बताई, आपने अपना एड्रेस नहीं बताया, बट विद द हेल्प ऑफ जियो लोकेशन द पर्टिकुलर ऐप और द वेबसाइट कैन नो योर लोकेशन. फाइन, ब्राउजिंग प्रोडक्ट्स एंड एक्टिविटीज विच एडवर्टाइजर्स कंपाइल एंड एनालाइज टू प्रोफाइल यू एंड प्रोवाइड टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट. अब क्या होता है, जब भी आप कुछ एप्स होती हैं जहाँ पे प्रोडक्ट्स को सर्च करते हो, ओके, जो भी एक्टिविटीज करते हो वो क्या होता है, वो जो एडवर्टाइजिंग कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं, जो एडवर्टाइजर्स होते हैं वो उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, कंपाइल करते हैं, उनको एनालाइज करते हैं कि आपको किस टाइप का प्रोडक्ट्स चाहिए, आप कौन सी एक्टिविटीज करते हो, और वैसे ही आपके पास क्या आते हैं, एडवर्टाइजमेंट आते हैं. जैसे आपने एक एग्जांपल लेते हैं, आप यूट्यूब पे इंफॉर्मेशन सर्च करते हो, तो आप नोटिस करना कि जैसे वीडियोस आप यूट्यूब पे सर्च करते हो वैसे ही वीडियोस आपके पास क्या आती है, व्हेन यू विल ओपन द यूट्यूब आपके पास वैसा ही डेटा अवेलेबल होगा, आपके पास वैसे ही वीडियोज आएंगे. फाइन, अगर आप स्टडी मटेरियल सर्च करते हो तो आपके पास स्टडी से रिलेटेड ही सारी वीडियोज आएंगी. ओके, ना हाउ डू वी लीव डिजिटल फुटप्रिंट्स, हम कैसे डिजिटल फुटप्रिंट्स प्रोवाइड करते हैं इंटरनेट को. ओके, तो बहुत सारे वेज हैं, इसमें से हम कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे. पोस्टिंग ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ट्विटर एंड अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, तो ये क्या है, एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट है, जहाँ पे आप क्या करते हो, खुद पोस्ट करते हो फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, स्नैपचैट पर, तो यू आर प्रोवाइडिंग द डिजिटल फुटप्रिंट देयर. राइट, फिलिंग आउट द ऑनलाइन फॉर्म्स, आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हो जहाँ अपनी सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो, सच एज व्हेन साइनिंग अप टू रिसीव ईमेल्स और टैक्स. और क्या होता है, समटाइम्स कुछ वेबसाइट्स आपसे क्या करती हैं, आपसे कंडीशंस पे टिक कराती है कि इन ऑर्डर टू सेंड यू द ईमेल्स, कि आप यहाँ पे एग्री करो तो आपको ईमेल्स आएंगे, टैक्स आएंगे, तो आप उसको क्या करते हो, एग्री करते हो. फाइन, सो यू आर प्रोवाइडिंग योर ओन कंसेंट, आप यहाँ पे कंसेंट प्रोवाइड कर रहे हो, सो डेट दे कैन सेंड यू ई मेल, दे कैन एक्सेस योर डेटा. और जो एग्रीमेंट्स होते हैं उसमें बहुत सारी क्लॉसेस होते हैं कि दे कैन एक्सेस योर अकाउंट, दे कैन एक्सेस योर दिस एंड दैट, सो मेनी थिंग्स. तो आप क्या करते हो, एग्री करके खुद अपना डेटा प्रोवाइड कर देते हो. फाइन, एग्रीइंग टू इंस्टॉल कुकीज ऑन योर डिवाइस व्हेन प्रॉम्प्टेड बाय द ब्राउजर्स. आप समटाइम्स क्या होता है, जब हम इंफॉर्मेशन कोई भी सर्च कर रहे होते हैं तो वेबसाइट पे आता होता है कि दिस वेबसाइट यूजेस कुकीज टू ब्राउज योर इन्फॉर्मेशन, तो हम क्या करते हैं, अननोइंगली ओके पे क्लिक कर देते हैं, तो क्या होता है, वो पर्टिकुलर वेबसाइट की कुकीज हमारे सिस्टम पे स्टॉल हो जाती है और वो सारा हमारा ब्राउजिंग रिकॉर्ड अपनी वेबसाइट को प्रोवाइड करता रहता है. तो इस केस में थोड़ा अवेयर रहना चाहिए कि जहाँ पे कुकीज हो वहाँ पे ओके नहीं करना चाहिए. फाइन, इट इज नॉट हार्मफुल, बट क्या होता है, समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन भी क्या हो जाए, शेयर हो जाए. फाइन, नाउ वी हैव टिप्स टू मैनेज योर डिजिटल फुटप्रिंट्स, आप अपने डिजिटल फुटप्रिंट्स को कैसे मैनेज कर सकते हो. राइट, ट्रीट योर पासवर्ड लाइक योर टूथब्रश, डोंट शेयर इट विद एनी वन एंड चेंज इट ऑफन. ओके, तो आपको अपने पासवर्ड को बहुत सिक्योर रखना चाहिए, उसको किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहिए और अपने पासवर्ड को टाइम टू टाइम चेंज करते रहना चाहिए. फाइन, ऑलवेज रिमेंबर टू लॉग ऑफ वेन यू हैव फिनिश्ड विद एन ऑनलाइन सर्विस. जब भी आप अपने कोई भी ऑनलाइन सर्विस यूज कर रहे हो, आपने अपना अकाउंट ओपन किया हुआ है, तो हमेशा अपने अकाउंट को क्या करना चाहिए, लॉग ऑफ करना चाहिए, लॉग आउट करना चाहिए. फाइन, जिससे आपका अकाउंट क्लोज हो जाए. ओके, यूज योर ओन डिजिटल फुटप्रिंट टू रिमेंबर योर फेवरेट वेबसाइट्स लाइक द हिस्ट्री बटन एंड बुक मार्क्स. आप अपने खुद के डिजिटल फुटप्रिंट्स बना सकते हो, कैसे, जो भी वेबसाइट आपको पसंद हो, ओके, उनको हिस्ट्री बटन पे क्लिक करके या फिर उनको बुक मार्क, उनका बुक मार्क क्रिएट करके. फाइन,
Remember that most of the website you visit will make a note of your visit and may also track the website you visit before and after their website. तो हमेशा याद रखो जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हो, जैसे आप किसी वेबसाइट को विजिट कर रहे हो तो यहाँ पे रिकॉर्ड होगा, जो आपकी एक्टिविटी पूरी रिकॉर्ड होगी कि आपने इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे विजिट किया और क्या क्या वहाँ पे इंफॉर्मेशन सर्च की, फाइन। और वो वेबसाइट ये भी सर्च कर सकती है कि आपने उस वेबसाइट से पहले कौन सी वेबसाइट को विजिट किया और उसके बाद आपने कौन सी वेबसाइट को विजिट किया, फाइन। लेट एन अडल्ट नो इफ एनीथिंग यू रीड और सी मेक्स यू फील वरिड और अपसेट। अगर आपके पास कोई ऐसा कमेंट आता है या कोई ऐसा डेटा आता है जो आपको वरिड कर, जो आपको अपसेट करता है, तो इसकी इंफॉर्मेशन हमेशा अपने घर में अडल्ट को देनी चाहिए, मीन्स अपने से बड़े जो भी आपके पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनको देनी चाहिए। ओके ओके चिल्ड्रन, नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो ऑफ सोसाइटल इम्पैक्ट्स विद नेक्स्ट टॉपिक। ओके टिल देन कीप स्टडिंग एंड बी सेफ।